व्यवहार कैसा होता है? नॉर्मल होता है या कुछ गुस्से टाइप का होता है? नहीं, नॉर्मली होता है, मतलब मैं थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कई बहुत हाइपर होते हैं। नहीं, लेकिन ठीक होते हैं बच्चे। मेरे एक्सपीरियंस में तो बच्चे हो बहुत। कितने स्टूडेंट हैं आपके? और ये इस यूनिवर्सिटी में आप क्या लेक्चरर हो या प्रोफेसर? लेक्चरर। एक ही बात होती है वैसे, अलग अलग होता कुछ? एक ही बात है, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों। असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या क्या कोर्स? बोटिंग वगैरह भी होती है अंदर? बोटिंग नहीं है, ये सब घर है, यहाँ लोग रहते हैं इस बोट्स के अंदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं हूँ लंदन के अंदर। आज मेरा है लंदन में सेकंड डे। तो मैं अभी बस के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अभी लंदन आया और बिग बेन के आसपास हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसा व्यू है। और आज मेरे मामा मामी भी आए हैं, ये देखो। हेलो बोलो मामी। हेलो, ये देखो। और मैं घूमने आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का व्यू, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो देखो, आज मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग कम है और कैमरा की, बट मैं दो बैटरी लेके आया हूँ आज। तो दिखाता हूँ आपको व्यू, देखो। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है। अभी देखना, ये आगे लंदन ही आ जाएगी। ये बिग बेन है सामने, ये जो सारा, ये जो बड़ी सी दिख रही है। ये देखो गाइस, सेंट्रल लंदन के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये देखो गाइस, लंदन, क्या बिल्डिंग्स है। मामा जी, कैसा लगा लंदन? बहुत बढ़िया लगा भाई। और गाइस, आज ना मेरे आते ही बारिश हो गई, बताओ यार। अब मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, अंदर डाल लेता हूँ, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गाइस, बारिश देखो यार, बहुत तेज हो रही है। तो गाइस, अभी हम जस्ट यहाँ क्वींसबेरी यूनिवर्सिटी के बाहर आए हैं और यहाँ पे पहले कुछ खाने पीने की जगह देख रहे हैं। भूख लग रही है और गाड़ियों का शोर बहुत आ रहा होगा शायद, क्या पता माइक में ना आ रहा हो। बट अभी हम इधर उधर जगह देखते हैं अब क्या है कुछ खाने पीने के लिए, फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे, एक बाहरी शॉप है, एक डिक्सी चिकन करके, यहाँ पे बैठे हैं हम अभी। और अभी हमने बर्गर्स लिए हैं, ग्रिल्ड बर्गर्स एंड वेज बर्गर। मामा जी तो वेजिटेरियन है, खाली वेज ही खाते हैं, तो हमने अभी लिया है और अभी खाएंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं, थोड़ा बहुत मिलते हैं। ये देखो गाइस, ये है क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी, माइलैंड कैंपस है ये। ये मामी मामा, और ये अभी मिलवाता हूँ आपको इनसे। ये सारे एकोमोडेशंस वगैरह होंगे, ये कैंटीन्स वगैरह हो गई, जैसे ये वो देखो मील डील लिखा हुआ है वहाँ पे, ये सब कुछ ये खाने पीने का है। और ये कुछ वेरे हाउस, ये क्या है सर, ये एकोमोडेशन है वेरे हाउस? हाँ, ये सब एकोमोडेशन है। ये इनसे मिलो, ये है सर आदित्य राय, आदित्य आगे राय राय। और ये इस यूनिवर्सिटी में आप क्या लेक्चरर हो या प्रोफेसर? लेक्चरर। एक ही बात होती है वैसे, अलग अलग होता कुछ? एक ही बात है, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों। असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या क्या कोर्स पढ़ाते हो आप वैसे? मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट ज्योग्राफी। अच्छा, और ये वाला, ये जो यूनिवर्सिटी है क्वींस, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी, क्वीन मैरी। तो अभी हम उसी के मेन कैंपस में खड़े हैं। हाँ, मेन कैंपस में। दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ पे उनका खुद का कैंपस है, जो जहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं और सारी बिल्डिंग्स एक जगह हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस सिटी में फैले हुए हैं। हाँ, सारे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोवेंट्री का भी यही है, हमारी जैसे ब्रूनेल यूनिवर्सिटी गया, कल मैं किंगस्टन यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे भी सारे अलग अलग जगह पे, कोई टाइल कैंपस है, हिल कैंपस है कुछ। यहाँ पे सारे एक ही जगह पे कैंपस? हाँ, यहाँ पे पूरा एक कैंपस है, थोड़ी और बिल्डिंग्स है हमारी ईस्ट लंदन में। अच्छा। लेकिन पूरा कैंपस जो है वो, तो ये सारे, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे एकोमोडेशंस वगैरह हैं? ये पूरे एकोमोडेशन है, पीछे वाले साइड पूरा एकोमोडेशन है। ये रेसिडेंसीज, रिसेप्शन रेसिडेंसीज है। अच्छा, ये मैस हुआ, और उधर सारा जो है वो एकेडमिक एरिया है, लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी भी है, बायोटेक, वहाँ पे भी जा सकते हैं हम? वहाँ भी अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो चाहिए उसके लिए आई कार्ड, लेकिन बाहर से देख सकते हैं।
और बाकी अंदर कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने देखने? बाकी टहल तो पूरा कर सकते हैं तुम लोग, हम लोग साथ में चलते हैं। क्या है ये? लॉन्ड्री वगैरह के लिए। अच्छा, यहाँ पे कितना चार्जेस होता है लॉन्ड्री के? ये तो यार तुमको देखना पड़ेगा मुझे। नहीं है कुछ भी, होंगे यार 2-3 pounds के करीब कुछ होंगे। ये 2 साल क्या लिखा था? वो है 27 miles 27 days, पता नहीं क्या। यहाँ पे ये भी बोटिंग वगैरह भी होती है अंदर? बोटिंग नहीं है, ये सब घर है, यहाँ लोग रहते हैं इस बोट्स के अंदर। हाँ, उस तरह। अच्छा, ये देख लो गाइस, ये मामा जी घर है पता है, लोग रहते हैं इधर पीछे देख के देख के। हाँ, ये देख लो, ये लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास बोट है तो, कर सकते। अच्छा, बोट भी चाहिए तो रेंट देना पड़ता होगा इसका तो? हाँ, इसका रेंट है, इसके लाइसेंसेस होते हैं, ये अलग अलग लाइसेंस होते हैं। ये बोट ओनरशिप खुद की है, रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन लाइसेंसेस होते हैं उसको। पार्किंग लाइसेंस चाहिए कनाल्स के लिए। इसके इसका अलग पार्किंग लाइसेंस होता है? पूरा पार्किंग कनाल्स में सब हर जगह आप, इनफैक्ट पूरा UK के कनाल्स कनेक्टेड है, आप कहीं भी जाके लाइसेंस लेके रह सकते हैं। तो ये थेम्स नदी का ऐसा है क्या? थेम्स नदी नहीं है, ये कनाल है। ये थेम्स से मिलती है, मतलब आगे जाके कनेक्ट होती है? आगे जाके कनेक्ट होती है लाइन हाउस से, होती है। सीधा जाए जाओगे तो लाइन हाउस। चलते हैं यहाँ से लंदन ब्रिज के नीचे। चलो, कितना रेंट लेते हैं ये, कितने घंटे के हिसाब से होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ये। ये एक्चुअली जैसे मैंने, मुझे अगर शिप ये बोट खरीदनी है तो मैंने बोट ले ली, मैं इसको इस पर रह सकता हूँ, बस मुझे लाइसेंस देना होगा कि पार्किंग के लिए। अच्छा अच्छा, रह भी सकता है? रहते ही हैं लोग। कितने 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 टाइम के लिए रहे? अरे पता नहीं कितना भी रह सकते हैं। अच्छा, 2 महीने 6 महीने है, ये लाइफस्टाइल है जो लोग इस तरह ना मकान बना, अपने पेट्स वगैरह भी यहीं रखते हैं, अभी साइकिल्स वगैरह भी तो रखी हुई है अपनी, देख सकते हैं। काम करने जाते हैं लोग, वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी में? हाँ, यहाँ काम करेंगे, यहाँ रहते हैं। सही है, ये देख लो। चलो आगे चलते हैं। ये सब हॉस्टल्स हैं, सारे हॉस्टल्स हैं ये सारे यहाँ पे। मैं जब से यहाँ हॉस्टल ही देख रहा हूँ, कुछ पढ़ने वाला नहीं है यहाँ पे, जैसे इंजीनियरिंग बिल्डिंग, कुछ बिजनेस बिल्डिंग? हाँ नहीं, मैं अभी ये हॉस्टल्स दिखाता हूँ ना अभी तुमको, यहाँ से ये हॉस्टल एरिया देख लो पहले। अच्छा, सारा एकोमोडेशन वाला एरिया है। जब आया था तो मैं हॉस्टल में ही रहा था फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे रेंट कितना होता है हॉस्टल्स वगैरह में? यार अब आज से मुझे 7 साल पहले की बात मालूम है, वो कितना होता था आपका फिर भी? यार होता था फिर भी 650 per month रहता था। अलग से वो बने हुए ना बीन्स वगैरह सिगरेट के लिए, कुछ लोग पीते हैं फीस कितनी है वैसे यहाँ पे यूनी की? यूनी की फीस कितनी है? यूनी की फीस यार अब तो मुझे नहीं पता है, मैंने काफी दिन हो गए, मैंने खुद भी जब पढ़ाई की थी तो मेरे ख्याल से मेरी फीस थी अबाउट 11,000 to 11,000, बट अभी यहाँ पे मैंने पता करी थी 15,000 के आसपास है। हाँ, 15,000, वो भी अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में अलग अलग रहता है, और थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, और कोर्सेज पे भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, जहाँ पे लैब्स वगैरह होगा साइंसेज में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सोशल साइंसेज आर्ट्स में थोड़ा कम रहेगा। ये देखो, ये ग्रेवयार्ड है, यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेवयार्ड बना रखा है, ये यहीं पर हो सकता है इंडिया में तो पाप मानते हैं क्या, है ना, ऐसे होता है ना, पढ़ाई की जगह पे वो बना रखा है शमशान घाट, देख लो। 300 साल पुराने हो गए इसे। ज्यूइश कम्युनिटी ने लैंड डोनेट किया था इसके अराउंड, तो उन्होंने ये यूनिवर्सिटी, हां काफी पुरानी है, उनसे मीट 100-150 साल पुरानी यूनी है ये। हाँ, इसका थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रही है, लेकिन 1900 से पहले की है। तो देख लो गाइस, अभी भी घूम ही रहा हूँ मैं यूनी के अंदर ही,
ये क्या फ्रांसिस बैंकक्रॉफ्ट बिल्डिंग, इसमें क्या है? अच्छा, लेक्चर थिएटर वगैरह, बिजनेस बिजनेस के स्टूडेंट्स, मेरी भी क्लासेस यहीं होती है। आपकी भी यहीं होती है? कुछ कुछ थोड़ी इधर होती है, थोड़ी उस वाले में, उस वाले में। इसमें ये लाइब्रेरी है लेफ्ट में, ये लेफ्ट हैंड साइड में लाइब्रेरी है। व्यवहार कैसा होता है, नॉर्मल होता है या कुछ गुस्से टाइप का होता है? नहीं, नॉर्मल ही होता है, मतलब मैं थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कई बहुत हाइपर होते हैं कि नहीं, लेकिन ठीक होते हैं बच्चे। मेरे एक्सपीरियंस में तो बच्चे बहुत। कितने स्टूडेंट हैं आपके ज्योग्राफी में? डिपेंड करता है कोर्सेज में, मैं जो एक कोर्स लेता हूँ उसमें 90 स्टूडेंट्स की क्लास है, लेकिन हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आप 30 का लेते हो, मतलब एक तरह से? हाँ, मैं कन्वीनर हूँ उस कोर्स का, तो उसमें हम लोग मेरे साथ तीन और पढ़ाते हैं, तीन और पढ़ाते हैं, वो बांट लेते हैं। हाँ, ये लाइब्रेरी इधर लेफ्ट में। अच्छा, ये तीन, ये सारी तीन फ्लोर की। मेन सब्जेक्ट कौन सा? ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलपमेंट भी पढ़ाता हूँ, डेवलपमेंट ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी अलग होता है कुछ, मतलब जैसे एक तो ज्योग्राफी अपना वो होता है मैप्स वगैरह वाला। हाँ, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं उसको, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा ह्यूमन और माइग्रेशन और मार्केट्स पे डिपेंड करता है, थोड़ा सोशल साइंस साइड पे ज़्यादा। दिस इज अ ग्राउंड कैफे। ग्राउंड कैफे, ग्राउंड कैफे, ये है स्टूडेंट स्टूडेंट यूनियन हब है पीछे, उसके अंदर क्या स्टूडेंट यूनियन हब में वर्क स्पेसेस हैं, हैंग आउट स्पेसेस हैं, ऐसे काम करना है, ग्रुप स्टडी का करनी है, एक कुछ दुकान भी होगी इधर, कुछ अगर बुक्स वगैरह मिलती हैं तो। लाइब्रेरी फ्री होती है? लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी फ्री है, लेकिन अगर आपको जैसे कि कोई प्रिस्क्राइब नोट टेक्स्ट बुक्स वगैरह चाहिए तो इधर से कुछ मिल जाएंगी। तो वो पहले से अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती होगी इसकी, ग्रुप वर्क की वगैरह भी? हाँ, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। ये देख लो, ये सब एरियाज हैं, यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज कैफे है, ठीक है, पास्ता एंड और अच्छा दालें भी मिलती हैं यहाँ पे। देखो मामी, ये अपनी दाल है खाली 0.12 पेंस की, ये अपनी वो चने की दाल है। सब चीज़ें मिलती हैं, ये थोड़ा ऑर्गेनिक है। ये अपनी वो मसूर की दाल बोलते हैं ना कुछ ऐसे, मूंग मसूर की दाल होती है, राजमा, छोले, सब कुछ है यहाँ पे। ऐसे भी कच्चे कच्चे बेच रहे हैं, और ये खाली ये सब सब कुछ मतलब स्टूडेंट्स ही सेल करते हैं सब कुछ, ये सब स्टूडेंट एंटरप्राइज। देखो सस्ती सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, आगे चल के देखते हैं वो क्या होगा। ये बस ये हैंग आउट एरिया है, देखते हैं आगे। सिक्योर चार्जिंग, ये देखो ये आगे बुलरिंग मॉल के अंदर भी है, ये इसके अंदर अपनी चार्जिंग कर सकते हैं फ़ोन के, एप्पल और एंड्रॉयड की। फ़ोन रख के चाबी लेके चले जाओ, फ़ोन की चार्जिंग अंदर देखो, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फ़ोन रख दिया, चार्जिंग पे लगाया, बंद करा, चाबी अपने पास रख के बस अब चार्ज हो जाएगा फुल, तो कर सकते हैं। स्टूडेंट कैफे है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। रैंकिंग के लिए मैं मना करता हूँ लोगों को रैंकिंग देखने के लिए। मैं भी नहीं देखता रैंकिंग एंड ऑल, डिपार्टमेंट देख। जब मैं इंडिया से आया था ना तब मैं देखी थी बहुत रैंकिंग वगैरह, बट अब मैं छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कर सकते हैं अब तो वीज़ा मिलने लगा, तीन साल का वर्क भी कर सकते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते। ये आपकी बिल्डिंग होगी ना? मेरी बिल्डिंग है, ज्योग्राफी बिल्डिंग, और सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है आपका। तो रहते भी हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं रहता मैं, काम करने। वो देखो वहाँ पर टेम्परेरी स्टडी स्पेसिस भी हैं, टेम्प्रेरी स्टडी स्पेसेस। ये जो है ये पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी ये, ओ
ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया, पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्वींस बिल्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की फ्री कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, कोई भी लगवाने जा सकता है। ये है इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। इंजीनियरिंग बिल्डिंग का ना लुक ही अलग होती है, हर जगह देखते ही पता लग जाता है इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। हाँ, ये इसी यूनिक एंडर है। यहाँ पे बी एंज बोलते हैं, लेकिन बी टेक नहीं बोलते, बी एंज और एम ए। कई बार मैनेजमेंट स्कूल, ये देखो कुछ ही कोर्सेज ज़्यादातर एम एस सी होगा, एम एस सी। हाँ, ये है इस बिल्डिंग में, जैसे मैनेजमेंट है, मैं भी क्लासेस लेता हूँ। इस यूनिक इस वाली बिल्डिंग के अंदर आप भी लेते हो? एक क्लास लेता हूँ। ये है ग्रेजुएट सेंटर, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये सारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है। इस वाली बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी का जिम है। हाँ, यूनिवर्सिटी का जिम है। फ्री यूनिवर्सिटी का पब बार भी है। यूनिवर्सिटी का भी पब है? नहीं, यूनिवर्सिटी का तो नहीं है पब। फ्री जा सकते हैं स्टूडेंट्स जिम में? स्टूडेंट्स जा सकते हैं, सब्सिडाइज्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं अगर आप पीयर वगैरह। अच्छा, लेकिन ये है, ये रहा, ये मेरी क्लास है, मेरी क्लास यहाँ लेता हूँ मैं। यहाँ पे भी लेते हैं आप? हाँ, हर जगह। ये सारी इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। यूनिवर्सिटी का क्रैश है, जो लोग काम करते हैं यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे हैं वो। ये देख लो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या क्या है? यूनियन शॉप है थोड़े, यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस है रहने के लिए, फिर बार एंड किचन है, फिर आईटी लेबोरेटरी है, इंफॉर्मेशन टीचिंग बस लेबोरेटरी, यूनियन शॉप, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर, जिम है इधर, जिम वगैरह भी है सस्ता, मतलब अगर आपको वो करना है। अच्छा, हम लोगों को थोड़ा सस्ते में वो मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह, स्टूडेंट डिस्काउंट या टीचर डिस्काउंट, स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टाफ डिस्काउंट है। तो आपको तो यहाँ पर कार्ड वगैरह मिला होता होगा? हाँ, स्टूडेंट कार्ड, हाँ वो तो होता है, कार्ड्स वगैरह, स्टूडेंट का कार्ड जैसे लेकर आ रहे हैं, इनका स्टाफ कार्ड होगा ना कुछ, स्टाफ कार्ड होगा। ये देख लो, ये चाइना के स्टूडेंट्स हैं। पीटर लैंडन बिल्डिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है। ये यूनियन शॉप है, यहाँ पे तो भी हम आए थे शायद। हाँ, बार भी है यहाँ पे, देखो बियर एंड ऑल, यूनिवर्सिटी के अंदर बियर वगैरह पीते हैं यार। हाँ मामा जी, देखो अजीब सी तरह यहाँ हम लोग इसको किंग भी करते हैं, बियर भी पीते हैं, जो मर्जी कर रहे हो यहाँ पर, सब अलाउड। और बॉडी भी बनाते हैं। हाँ, बॉडी बनाते हैं, जो कहना है करो, जिसको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। पर बंदिश नहीं है यहाँ पर कहने का मतलब। पूरी यूनिवर्सिटी का हमने टूर कर लिया, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी है, उनकी भी रैंकिंग अच्छी है। इंडिया में क्या अच्छी रैंकिंग है किसी की? यूनिवर्सिटी देखो, कुछ अच्छी रैंकिंग वैंकिंग नहीं है। तो पूरी यूनिवर्सिटी का टूर तो कर लिया है, और क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी थी वो, और अब बस में आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन की तरफ, तो सर के इंटरव्यू की वीडियो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। हमने प्रॉपर पूरा मामा जी ने इंटरव्यू लिया सर का, कि कैसे क्या होता है यहाँ पे, कितनी स्कॉलरशिप, क्या फ़ीस वगैरह होती है, सब कुछ, तो वो सब आपको पता लग ही जाएगा। और उसके बाद आपका हमने इंटरव्यू भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब हम सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहे हैं अगेन।